एसबीआई के बाद अब सीजीए के आ गए चुनाव आयोग का नंबर। लेकिन चंदे की रिपोर्ट पर ईसी चलने वाला है एक दांव। क्या सीजीआई कर पाएंगे बीजेपी के चंदे के धंधे का पर्दाफाश? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को चुनावी बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कड़ी फटकार लगाई। एसबीआई ने अदालत से चुनावी बॉन्ड की डिटेल्स चुनाव आयोग को सौंपने के लिए और वक्त मांगा था। इस पर सीजीआई ने कहा कि एसबीआई को पहले के आदेश के मुताबिक 12 मार्च की शाम तक चुनाव आयोग को डेटा सौंपना होगा। वहीं चुनाव आयोग इस जानकारी को 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। चुनाव आयोग क्या मोदी सरकार के चंदे के धंधे की रिपोर्ट जनता के सामने लाएगा या वो भी मामला लटकाने की पूरी कोशिश करेगा? क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये बताएं, क्या एसबीआई मोदी सरकार की मदद कर रही है? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सीजीआई ने लगाई एसबीआई की क्लास। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत ने बैंक से डिटेल्स मैच करने को नहीं कहा था, जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया था। सीजीआई ने कहा कि केवाईसी रिकॉर्ड से पता चलता है कि बैंक के पास सभी जरूरी जानकारियां थी। सालवे ने कहा कि हमें बताया गया था कि यह सब सीक्रेट रहेगा, इसलिए हमने ऐसा मैकेनिज्म बनाया। हम नहीं चाहते कि अब किसी गलती से तूफान खड़ा हो जाए। सीजीआई ने लहजा सख्त करते हुए कहा, गलती का कोई सवाल ही नहीं है, आपके पास केवाईसी है, आप देश की नंबर वन बैंक है, हम आपसे इसको हैंडल करने की अपेक्षा करते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने एसबीआई के सबमिशंस का हवाला देते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड के खरीदारों की जानकारी मेन ब्रांच के भीतर सील कवर में रखी है। जज ने आगे कहा, बस सील बंद लिफाफे को खोलें, नामों का मिलान करें और डिटेल्स साझा करें। चुनाव आयोग भी लटकाएगा मामला। चुनाव अधिकारी के अनुसार अब ये नहीं कहा जा सकता कि एसबीआई से मिली जानकारी को आयोग उसी तरह सार्वजनिक करेगा या फिर उसे लोगों की समझ के लिए आसान तरीके से पेश करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा था कि इससे पारदर्शिता नहीं बनी रहती। 2019 में कोर्ट में दिए गए एक हलफनामे में आयोग ने कहा था कि राजनीतिक फंडिंग से संबंधित कानूनों में किए गए बदलावों के पारदर्शिता पर गंभीर परिणाम होंगे। चुनावी बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला क्या है? अदालत ने एसबीआई को जरा सी भी मोहलत देने से इनकार कर दिया। एसबीआई को 12 मार्च 2024 के कामकाजी घंटों की समाप्ति तक जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा, हम भारत के चुनाव आयोग को जानकारी संकलित करने और 15 मार्च 2024 की शाम 5 बजे से पहले अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश देते हैं।